फ्रेंड्स नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते सब लोग अच्छे हैं। और जो नए किचन में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हमने बनाया पूठी मछली, जो छोटी मछली होती है उसका करी बनाया, झोल भी कह सकते हैं, तो जो भी आप कहें। तो देखने में कितना यमी और टेस्टी लग रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। तो आइए फुल रेसिपी को देखते हैं, और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें और कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आप सबको कैसे लगी। फ्रेंड्स ये है पूठी मछली। तो पूठी मछली यहाँ पे आधा किलो है, इसमें छोटा बड़ा हर प्रकार के हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिए लिए है राख, इसको मिला मिला के जो है हम कटिंग करेंगे, क्योंकि ये ताजे हैं तो बहुत इसमें चिपचिपा है, लेजापन है। तो पहले मछली को जो है हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मछली जो है हम काट लिए हैं, अच्छे से धो लिए हैं, तो जितना मुझे ज़रूरत है उतना हम छाट छाट के अच्छे वाले ले लिए हैं। और यहाँ पे कुछ मसाला हम ले लिए हैं। तो मसाला में हम लिए हैं एक चम्मच छोटी वाली, जो छोटी वाली चम्मच से एक चम्मच जीरा ले लिए हैं। और यहाँ पे ले लिए हैं जो चम्मच से हमने जीरा लिए उसी चम्मच का दो चम्मच हम यहाँ पे पीला वाला सरसों ले लिए हैं। और ले लिए हैं तीन हम सूखे मिर्चे, बड़े बड़े हैं। और यहाँ पे ले लिए एक लहसुन, जो कि लहसुन को हम छीले नहीं है देख सकते हैं। और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी सी इलायची, एक लौंग, एक इलायची हरी वाली, और यहाँ पे लिए हैं तीन चार काली मिर्चा। तो इसका जो है एक पेस्ट हम बना लेंगे। थोड़ा हल्दी दे देंगे मछली में जो है, और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक देखिए मिक्स कर देंगे। मछली को जो है हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। तो मछली को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स एक कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें हम दे देंगे थोड़ा सरसों का ऑयल। अब जो तेल खाते हैं उस तेल से बना सकते हैं। अब जो है पुठी माछ को जो है मछली तौर पर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बताया हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, तो ऐसे ही हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे। एक फ्राई हो चुके हैं, करीब एक मिनट फ्राई किए हैं, और डाली एक मिनट फ्राई कर लेंगे। तो करीब एक मिनट हो चुके हैं, अब जो है हम निकाल लेंगे। ज़्यादा हार्ड फ्राई नहीं करना है, ऐसे ही हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं ऐसे हल्का हल्का। तो बाकी जो बचे हुए हैं उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सभी मछली को जो है हम फ्राई कर लिए हैं, और उसमें तेल बचे हुए हैं, थोड़ी सी तेल हम और दे देंगे, गर्म होने तक का वेट करते हैं। तो तेल गर्म हो चुके हैं, दे देंगे एक सूखा लाल मिर्च तोड़ के, थोड़ा सा जीरा, और जो मसाला हम दिखाए थे सरसों वगैरह लाल मिर्च वगैरह तो पीस लिए हैं। कटोरे को धो के थोड़ा पानी दे देंगे। दे देंगे हल्दी, नमक हम पहले भी दिए हैं मछली फ्राई करते टाइम पे, और फिर से थोड़ा सा दे रही हूँ स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाला को, तब तक हमें भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल बाहर नहीं आ जाता। तो अच्छे से मसाला को जो है भून लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मसाला से जो है अच्छे से ऑयल बाहर आ चुके हैं, हमारा मसाला अच्छे से जो है भून चुका है। हम पानी दे देंगे, मिक्स कर देंगे, फ्लेम को जो है हम बढ़ा देंगे, स्लो फ्लेम में जो है हम मसाला को अच्छे से भूने हैं। भूनते भूनते उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ चुके हैं, बॉयलने तक का वेट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब मछली को जो है हम दे देंगे, मछली को देने के बाद फ्लेम को जो है हम फिर से मीडियम कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ढक के जो है हम 5 मिनट पकाएंगे, ढक देंगे। तो फ्रेंड्स करीब 5 मिनट हम पकाए हैं, अब लगभग हमारा मछली रेडी है। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर लग रहा है देखने में। तो 2 मिनट जो है हम ओपन रखेंगे, ओपन रख के पकाएंगे, फ्लेम जो है एकदम स्लो करके रखे हैं, लगभग रेडी हैं। 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट और हम पकाएंगे ओपन करके। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हम ओपन करके पकाए हैं, अभी तुरंत बंद किए हैं, देख सकते हैं अभी भी बुलबुले आ रहा है। अब जो है एक कटोरी में हम निकाल लेंगे। तो रेडी है फ्रेंड्स पूठी मछली का झोल, करी, जो भी आप कहें। तो कैसे लगी मेरी रेसिपी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सब लोग स्वस्थ रहे, बाय।